वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। एक अदम्य साहसी व्यक्ति थे। जब उनको भारत लाया जाता था, फ्रांस की सीमा नजदीक आई, इतने बड़े समुद्र को देखकर अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते थे। उसकी कुछ के आगे क्या होगा, कहां जाएंगे, कितना दूर भूमि है, कोई सोचे बगैर दरिया में छलांग लगा दी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे माँ भारती की गुलामी की जंजीरें तोड़नी है और तैरते तैरते फ्रांस पर पहुंचने का सवाल वीर सावरकर के अलावे और किसी में नहीं। सेलुलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत माँ के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत माँ की जय लिख रहे हैं। वे पल पल, तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जिंदगी जला रहे हैं, ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, भारत रत्न भी मिले, मगर देश की जनता ने किसी के नाम के सामने किसी सरकार के कहे बगैर वीर छोड़ दिया हो तो वो एकमात्र व्यक्ति का वीर था। अटल जी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। एक अप्रतिम योद्धा होने के साथ साथ जन्मजात देशभक्त थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक भाषा शास्त्री थे, लेकिन सबके अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। सावरकर कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे।